स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमय। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है 25 अप्रैल। तो जैसे डेट फिक्स हुई है, वैसे ही सरकार जो है वो बहुत सारी चीजें फिक्स करती जाएगी, जिससे आप टेंशन में ना रहो। क्योंकि अभी टेंशन ये थी कि एग्जाम डेट जो है वो कब होगी, कब होगा एग्जाम। नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, आप तैयारी में लग जाइए। लास्ट वीडियो जो है वो हमने इस बारे में बनाया था कि कैसे हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक से हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वेटेज को लेकर और सिलेबस को लेकर। ठीक है, वेटेज यदि हम देखें तो 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहां वेटेज था 70-30 का। ठीक है, 70:30 का था। तो अब जो निर्धारित तो हो चुका है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है कि जो अब निर्धारित हुआ है वो 90:10 का निर्धारित किया गया है। और सेकंड, एनसीटीई के तहत सिलेबस जो है वो आपका होगा। एनसीटीई है ये, एनसीईआरटी नहीं है। एनसीटीई ये एक संस्था है, इसके तहत जो है वो सिलेबस निर्धारित होगा, और सिलेबस में आपके राजस्थान का जो जीके है वो इंक्लूड किया जाएगा। पहले भी था राजस्थान का जीके, लेकिन अब थोड़ा उससे बढ़कर आएगा। तो आप इस चीज की तो बिल्कुल टेंशन ही मत लें कि कितना सिलेबस हो राजस्थान के जीके का आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप मानते हैं कि 30 मार्क्स जो है वो आपके बाल विकास के, यहाँ आपका राजस्थान के जीके का कोई मतलब नहीं है। 30 मार्क्स आपके हिंदी लैंग्वेज के, 30 मार्क्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है, यहाँ आपका कोई भी मतलब नहीं होता है कि राजस्थान की जीके जो है वो यहाँ पर ऐड होगी। बाकी जो आपके 10 या 15 मार्क्स का जो आपका रह जाता है, कौन सा, शिक्षण विधियां, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 10 मार्क्स का जो शिक्षण विधियां रह जाता है, तो यहाँ कोई भी टच नहीं कर सकता है कि आप जो तैयारी पहले से कर रहे हो वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि आप इनको देखेंगे तो 100 मार्क्स जो है वो लाने के लिए आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं है। ठीक है, बाकी जितना जीके आएगा इस बारे में तो बाद में ही पता चलेगा कि राजस्थान की जीके कितना ऐड हो रही है। बाकी 100 मार्क्स की तैयारी जो है वो आप करते भी आ रहे हैं। ठीक है, ये मार्क्स जो है इनमें छेड़खानी कभी नहीं होगी। अब देखिए, वेटेज की बात कर लेते हैं कि वेटेज जो है वो 90:10 निर्धारित हुआ है, तो किस तरीके से वेटेज हम निकालेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर जो 70:30 का था, जिसमें 70 रीट में जो मार्क्स आएंगे उसकी परसेंटेज के आधार पर 70% निकाला गया था, और जो 30:0 यानी जो ग्रेजुएशन में जितनी परसेंटेज बनी थी उसका 30% निकाला गया था। तो ये जो 90 है ये तो रीट के आपके लगाए जाएंगे कि आपके रीट में जो मार्क्स आएंगे उसका 90% जो है वो निकालकर, और ये 10 जो है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें ग्रेजुएशन के, 10th 12th के किसके मार्क्स जो है वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, यदि हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि आपके रीट में यदि आपके आते हैं 120 मार्क्स, अब 120 मार्क्स का मतलब क्या है, कितनी परसेंटेज बनती है, 120 मार्क्स का मतलब है कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है, तो इसके हिसाब से आपके 80% जो है वो बनते हैं। ठीक है, ये आपको मान लेना है, और इस 80% का 90 निकालते हैं तो बनेगा, ये बनता है 72%। ठीक है, उसके बाद यदि ग्रेजुएशन, ये जो 10 है यहां पर यदि केवल ग्रेजुएशन की बात होगी, क्योंकि 90:10 तो निर्धारित हो चुका है ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन 90 रीट के और 10 जो है वो ग्रेजुएशन के साथ 12th के भी ऐड होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें केवल मानकर चलना है। तो ग्रेजुएशन में यदि आपके 60% बनते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में यदि आपके 60% है तो 60% का 10 का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। अब रीट के और ग्रेजुएशन के, इनके दोनों के आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 78%। ठीक है, ये है आपकी कट ऑफ। ठीक है, यदि आप 78% या इससे ऊपर आते हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका सिलेक्शन है,
आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था, इसके अकॉर्डिंग आप ये लगा सकते हैं कि यदि मेरे रीट में 100 मार्क्स आते हैं तो क्या रेशियो बनेगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, तो मुझे कितने मार्क्स जलाने के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाता है जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं। ठीक है, और वेटेज की मैंने आपको बात बता दी कि 90-10 जो है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, रीट का 120 मार्क्स से यदि आपके आते हैं तो उसका होगा, यानी 120 मार्क्स से यानी कि 80% आपके रीट में मार्क्स आते हैं। ग्रेजुएशन में यदि आपके 60% मार्क्स हैं तो 60% का यदि 10 का रेशियो निकालते हैं जो 6% निकलता है, और 80% का यदि 90 पर निकालते हैं तो आपका 72% निकलता है। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा आपका 78%। तो 78% यदि आपके आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जो है वो कभी भी 78 से ऊपर जाएगी, क्योंकि यदि लास्ट ईयर की बात करें तो केवल जनरल कैटेगरी की यदि बात करते हैं तो देखिए जनरल कैटेगरी में शायद 67% जो है ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब आप सोचिए 78% तो काफी है, तो 67% जो है जिसके आए थे उसके ऊपर तो वो कट ऑफ में शामिल हुआ था और उसकी जॉब लग गई थी। तो इस तरीके से आप अपने जो है ये वेटेज जो है इसका रेशियो समझ सकते हैं और इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि तैयारी करते हैं तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब हम 120 मार्क्स के लिए ही तैयारी करेंगे या अब हम 110 मार्क्स के लिए ही तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं कहती आई हूं कि यदि आपके 100 प्लस आते हैं तो ही आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हो, यदि आपके 100 से कम मार्क्स आते हैं तो थोड़ा सा परेशानी की बात आती है। ठीक है, तो हमें लड़ाई किसकी करनी है, 100 प्लस मार्क्स की। तो ये तो था वेटेज और सिलेबस को लेके, सिलेबस के बारे में अभी इतना अच्छे से नहीं क्लियर हुआ है कि कितना जो है मार्क्स जो है कितने नंबर जो है वो राजस्थान जीके के होंगे, क्योंकि अभी हमें पता है 10 या 15 या 20 इतना, इससे ज्यादा जो है वो राजस्थान जीके जो है वो नहीं एड होगी। तो आप इस बारे में टेंशन जो है वो ना लें, आप रेगुलर पढ़ाई के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो इतना पढ़िए, ये सोचिए आप क्वेश्चन आंसर सीरीज तो घोट कर पी जाइए ताकि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।